नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने YouTube चैनल रोचक एग्रीकल्चर पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं में खरपतवार प्रबंधन से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आप लोगों के बीच हम लेके आए हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने आस पड़ोस के किसान भाइयों को शेयर करिए, जिससे यह जानकारी उन किसान भाई लोगों तक पहुँच सके जो गेहूँ की खेती कर रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा खरपतवार रहित गेहूँ के बीज का उपयोग करें। खरपतवार नाशी की सही मात्रा व सही समय व उपयुक्त तकनीकी से छिड़काव करें। खरपतवार नाशी को अदल बदल कर प्रयोग में लाएं। फसल चक्र में चारे वाली फसल जैसे बरसीम जई का समायोजन करें। उपयुक्त छिड़काव करने के लिए फ्लैट नोजल का प्रयोग करें। मंडूसी का प्रभाव कम करने के लिए हमेशा शून्य कर्षण या जीरो टिलेज का प्रयोग करके अगेती बुआई करनी चाहिए। शाकनाशी प्रतिरोधकता नियंत्रण के लिए ग्लाइफोसेट प्लस मेंडीमेथ्रिन का प्रयोग शून्य कर्षण से बुआई के पूर्व करना चाहिए। अधिक असर के लिए सल्फो सल्फ्यूरान या सल्फो सल्फ्यूरान के साथ मेट सल्फ्यूरान का प्रयोग पहली सिंचाई के साथ करें। जहाँ भी सल्फो सल्फ्यूरान का असर फसल पर दिखाई देने लगे या फसल को हानि होने लगे तो उस अवस्था में वहां पेंडीमेथिलीन एकार्ड्स प्लस और पिनक्सा डेन का छिड़काव करें। एकार्ड्स प्लस का प्रयोग पीबीडब्ल्यू 550 एवं डब्ल्यूएच 542 किस्मों पर नहीं करना है। क्लोडीना फाव फिनोक्सा प्राय फिनोक्सा डेन का प्रयोग 240 के साथ मिलाकर नहीं करना है। 240 का छिड़काव पहले छिड़काव के एक सप्ताह के पश्चात करें। छिड़काव बुआई के 30 से 35 दिन बाद ही करें। खरपतवार नाशी की संतृप्त मात्रा से कम व ज्यादा व अधिक मात्रा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और उसके साथ साथ अपनी फसल में खरपतवार के बीज पनपने नहीं देना है। ये थी कुछ खरपतवार प्रबंधन से जुड़ी जानकारी जो हमने आप लोगों को बता दी। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक किसान भाइयों को शेयर कर दें, जिससे हमारा वीडियो भी चल जाए और उन लोगों को जानकारी भी मिल जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।